हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें मैं आपका स्वागत है। आज हो गया 16 दिसंबर 2018 दिन रविवार। आज के 20 मुख्य समाचार हिंदी में। मोदी सरकार ने मानी चूक, नोटबंदी लागू करने से पहले इसके प्रभावों को लेकर नहीं किया था कोई रिसर्च। 2019 लोकसभा चुनाव एनडीए की हार तय, 7 राज्यों की 301 सीटों पर भारी पड़ेगा महागठबंधन। ईडी ने डाबर इंडिया के डायरेक्टर की 20.8 करोड़ की संपत्ति की सीज। नियम तोड़ने पर यूट्यूब ने रिमूव किए 5 करोड़ 80 लाख वीडियोस। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पद पर बने रहेंगे। नकदी संकट में फंसी जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ी, फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश। राफेल डील, शाह का राहुल परिवार, सब चोरों ने मिलकर चौकीदार को ही बता दिया चोर। बीजेपी को कड़वे सबक दे गई, 3 बड़े राज्यों में मिली हार। किसानों की कर्ज माफी का रघुराम राजन ने किया विरोध, कहा राजस्व पर पड़ता है असर। राफेल डील, राहुल ने फिर कहा साबित कर देंगे चौकीदार चोर है। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 2,000 करोड़ रुपए। रेनो ने सबसे कम समय में 5 लाख कार बिक्री का बनाया रिकॉर्ड। सिब्बल बोले, जब राफेल मामले में कोर्ट ने जांच ही नहीं की तो क्लीन चिट कैसी। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब नजर छत्तीसगढ़ पर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मोदी के घेरने के लिए बड़ी कुर्बानी देगी कांग्रेस। किसानों की कर्ज माफी पर बोले राहुल, 3 राज्यों में कर जल्द होगा माफ। कोच्चि में चलेगी देश की पहली वाटर मेट्रो, 819 करोड़ की आएगी लागत। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी रण का केंद्र बनेगा रायबरेली, पीएम मोदी का दौरा आज। प्रयागराज संगम तट पर कुंभ का वैभव देखने पहुंचे 70 देशों के राजनयिक, भव्य स्वागत। $1 लाख का इनाम, 1 साल तक बिना स्मार्टफोन के रहने वाले शख्स को मिलेगा। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी रण का केंद्र बनेगा रायबरेली। ठंड के बीच मध्य प्रदेश में कई इलाकों पर बारिश होने के आसार। अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। अगर रुपये की जरूरत है तो पीपीएफ अकाउंट पर ले सकते हैं लोन, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। तो दोस्तों, आज के समाचार समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको समाचार अच्छे लगे। समाचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।